चुनावी चौपाल में हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। राजस्थान में होने वाले चुनावों के कमान अब प्रदेश के नेताओं से ज्यादा दिल्ली दरबार वहीं से जुड़े नेताओं के हाथों में ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस रेगिस्तान के इसी रण को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है और अब तक के ट्रेंड देखने के बाद उत्साहित राहुल गांधी लगातार यहां के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी की तरफ से पूरी चुनावी बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। राजस्थान के इस चुनावी चौसर में बाजी किसके हाथ लगेगी इसका पता तो 7 दिसंबर को वोट पड़ने के बाद लग ही जाएगा, लेकिन पब्लिक की नब्ज टटोलने के लिए इंडिया न्यूज की टीम लगातार जनता के बीच जाकर उनके मन की बात टटोलने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश भी कर रही है कि इस बार चुनावी हवा का रुख किसके पक्ष में रहने वाला है। तो चलिए एक बार फिर हमारे साथ। ने अभी 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, देखा जाए तो न तो सरकार इस बार किसानों को ज्यादा खुश, दोनों ही हर बार वादे करते हैं, जब भी कोई आंदोलन करता है उस आंदोलन को दबा दिया जाता है लाठियों के द्वारा। अब की बार न तो कांग्रेस आएगी और न ही बीजेपी आएगी। तो ऐसे वक्त में जब राजस्थान में पूरी तरह से चुनावी मंच सज चुका है और यहाँ की जनता आने वाले कुछ ही दिनों में अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर से सरकार चुनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इसी कड़ी में हमारे संवाददाता चौपाल लगाकर जनता से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता बीजेपी और कांग्रेस को लेकर क्या सोचती है और क्या इस बार प्रदेश में तीसरा फैक्टर पूरी मजबूती से उभर कर सामने आ पाएगा। प्रदेश में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी कार्यालय में इन दिनों दावेदारों की भीड़ अक्सर देखने को मिल रही है। हर कोई अपना दमखम दिखाने में लगा है, लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है बदलाव हो, जो वादे किए जाएं, क्योंकि हर बार चुनाव से पहले जुमले खूब किए जाते हैं लेकिन उनका असर देखने को नहीं मिलता। समस्याएं जस की तस रहती है, उनका निराकरण नहीं होता। क्या इस बार बीजेपी वापस सत्ता में आ पाएगी या कांग्रेस कमबैक करेगी या तीसरा मोर्चा जो है समीकरण बिगाड़ेगा? कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं चुनावी चौपाल में, सबसे पहले इनसे ही जानते हैं क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार चुनाव में, किसकी जीत होगी किसकी हार और जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है जिनको लेकर यहाँ समर्थन दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं इस बार चुनाव में क्या प्रमुख मांगे मुद्दे रहेंगे, आप क्या मांगे रहेंगी, कैसा प्रतिनिधि आप चाहते हैं? जी प्रतिनिधि तो हम ऐसा चाहते हैं जो मतलब बिल्कुल हटके हो, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी है तो बार बार इन लोगों ने ये समझ रखा है कि एक बार तेरी बारी एक बार मेरी बारी, मतलब कोई भी मुद्दे पे विशेष ध्यान नहीं दिया देते हैं लोग। ये लोग क्या करते हैं, जैसे बीजेपी है, बीजेपी ने अभी 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया, अंत में मुख्यमंत्री महोदया ने हमारे आंदोलन के बाद इतनी भर्तियां निकाली थोड़ी बहुत, तो वो भर्तियां भी इस तरह से निकाली कि किस किस भर्ती की कौन कैसे तैयारी करे, और जितनी भर्तियां निकलती हैं उसमें शिवाय फॉर्मों के पैसे जमा करने के कोई फायदा नहीं निकलता, सारी भर्तियां कोर्ट में अटक जाती है, लाठी चार्ज, रोज युवाओं के जो बेरोजगार है, जो किसानों के बच्चे ही हैं वो बेरोजगार सारे के सारे, या मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो नौकरियों के लिए तैयारियां करते हैं, नहीं तो ज्यादातर बिजनेसमैन, तो इन लोगों पे रोज लाठी चार्ज होना, रोज जहां भी जाएं सुनवाई नहीं होना। मुख्यमंत्री महोदया से मिलने के लिए हम 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं, 7 महीने से, जबकि हम खुद लीडर हैं बेरोजगारों के इतने बड़े, उसके बावजूद हम लोगों से मिला नहीं जाता। इससे पहले भी 2013 की जो भर्तियां हुई थी वही हसर 2018 की भर्तियों का होगा, क्योंकि 2013 में भी अंत में गहलोत सरकार ने पिछली बार जो भर्तियां निकाली उन भर्तियों में यही हुआ था कि भाई लास्ट में जाते जाते कि लोग वोट डाल जाएंगे, अब भर्तियां निकाल दो, अब काम करो। अरे आप लोगों के पास जब 4 साल पड़े थे 5 साल पड़े थे तो आप लोग कहां चले गए थे? और देखा जाए तो अब बीजेपी का, आप देखिए अभी बीजेपी का विरोध भी कांग्रेस ने नहीं किया, लास्ट के 6 महीने में कांग्रेस ने विरोध किया, मतलब अगर जाए तो कहां जाए? एक आम इंसान, एक आम जो वोटर है जो वोट डालने जाता है एक उम्मीद लेके इन लोगों को, आज वही विधायक उन्हीं की झोली में जाके बैठ जाते हैं। बीजेपी की 163 सीटें आई, ज्यादातर लोगों ने यह सोचा कि 163 सीटें आई हैं तो लोगों का ये था कि 20 बार एक तरफा सरकार है, बहुत अच्छा काम होगा, वसुंधरा सरकार ने अच्छा काम करेगी, जो पिछली बार वसुंधरा सरकार ने फिर भी रोजगार के थोड़े बहुत ढंग से उपलब्ध कराया था सिस्टम, लेकिन अब की बार तो बहुत ही बुरी हालत हुई, तो लोगों ने ये सोचा कि भाई अच्छा काम होगा, हमारे विधायक जीत के आए, लोगों ने वोट भी डाले युवाओं ने, अब वही विधायक यूं कहते हैं हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अरे भैया हमने तुम्हें जिता कर भेजा है, हमने वसुंधरा राजे से हमें मतलब है,
हमारी भर्तियों के लिए मतलब है, तो आज आप लोग हमारे साथ दो। किसानों की बुरी हालत, आत्महत्याएं कर रहे हैं, बिल्कुल गिरती हुई विकास दर, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चूर चूर होती जा रही है, पूरी तरह से खत्म होती जा रही है, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई से इतना जबरदस्त त्रस्त है सभी कि ना कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं ना बीजेपी को। हो सकता है कोई नया विकल्प आए, तो हो सकता है हम लोग सभी एकजुट होकर उसका साथ दें, क्योंकि हर बार ये वादे ही करते हैं, वादे कोई पूरा नहीं करता है। जी बिल्कुल, देखिए हर बार जुमले किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं टिकट की दावेदारी दिखाने के लिए, जनता के बीच में जाकर कई ऐसे वादे गिनाए जाते हैं कि जीत के बाद उन्हें पूरा किया जाएगा। क्या मानते हैं इस बार क्या बीजेपी वापस सत्ता में आ पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कह सकते, नहीं कांग्रेस की कह सकते हैं, क्योंकि इस समय राजस्थान में सिर्फ दो लोग इन सरकारों से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। पहला है किसान और दूसरा जो उनके बच्चे हैं वो है बेरोजगार। क्योंकि देखा जाए तो न तो सरकार इस बार किसानों को ज्यादा खुश कर पाई, ना जनता को और ना ही बेरोजगारों को। जिस तरीके से इस बार 175,000 के समथिंग भर्तियां निकाली, उनमें से कुछ कोर्टों में अटक गई, कुछ में नियम ऐसे बना दिए कि वो पूरी नहीं हो पा रही है, कुछ की एग्जाम नहीं हो पाई और अब आचार संहिता लग गई, अब उनका कोई भी वो नहीं है। बेरोजगार पूरी की पूरी तरीके से अपनी आस छोड़ चुके हैं। बेरोजगारी है वो युवाओं को एक धीरे मतलब जहर की तरह, दीमक की तरह चढ़ती हुई जा रही है, जिनसे थोड़े बहुत दिन में पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि मानो की मानो रोजगार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, हर बार दावे किए जाते हैं लेकिन शायद उसका असर देखने को नहीं मिलता। युवा चाहता है इस बार बदलाव हो, ना कांग्रेस आए ना बीजेपी आए, तीसरा मोर्चा जो निर्दलीय पार्टी है वो सत्ता में आए और जनता की समस्याओं को सुने। आप क्या मानते हैं इस बार किसका दबदबा रहने वाला है? देखिए जी, मैं तो चाहूंगा कि कोई तीसरा ही विकल्प सामने आए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों ही हर बार वादे करते हैं, कांग्रेस बोलती है हम किसानों के साथ है, बेरोजगारों के साथ है, बीजेपी बोलती है हम बेरोजगारों के साथ है, किसानों के साथ है, जबकि नहीं तो कभी कांग्रेस ने किसानों और बेरोजगारों को साथ दिया, नहीं बीजेपी ने दिया। दोनों पार्टियां बस जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं, और एक बार तू ये सिस्टम से अपनी सरकार बना रही है। उन्हें न तो किसी जनता की प्रॉब्लम से कोई सरोकार है, बस बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं को अपनी कमाई से, अपनी चोरी से और अपना स्वार्थ से मतलब है, जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जनता बुरी तरह से त्रस्त है और तीसरे मोर्चे की तलाश में है। अगर कोई तीसरा विकल्प मिलता है तो हम खुल के तीसरे मोर्चे का सपोर्ट करेंगे और चाहेंगे कि ऐसा कोई तीसरा मोर्चा है जो जनता के, बेरोजगारों और किसानों की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा प्रतिनिधि सामने आया जो जनता की से जुड़ा हो, जमीनी धरातल से जुड़ा हो और जनता की समस्याओं का निस्तारण करे, क्योंकि जुमले खूब किए जाते हैं, रोजगार के वादे किए जाते हैं लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिलता। आप क्या मानते हैं इस बार किस तरह का बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को हम सत्ता में नहीं आने देंगे। ये डेमोक्रेसी शासन नहीं है, इन्होंने राजशाही शासन पैदा कर रखा है। जब भी कोई आंदोलन करता है उस आंदोलन को दबा दिया जाता है लाठियों के द्वारा। कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, पिछले ही दिनों दिल्ली की देख लो, उससे पहले कांग्रेस के राज में भी आंदोलन थे, उन्हें सिर्फ लाठियां झेलने को पड़ी थी। ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र का क्या कहता है कि जनता के द्वारा चुनाव गया प्रतिनिधि जनता का, वो अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाए लेकिन आवाज उठाने के बजाय उनकी आवाज दबा देते हैं। इसलिए हम तीसरे विकल्प के ही साथ देंगे, अगर वो जनता का हेल्प करेगा और जनता के एनी टाइम साथ रहेगा तो। बिल्कुल, तीसरे विकल्प पे यहाँ समर्थन की बात कही जा रही है, क्योंकि युवाओं का साफ तौर पे कहना है रोजगार के वादे बीजेपी सरकार ने भी किए थे, अब जब पिछले समय जब कांग्रेस सत्ता में थी कांग्रेस ने भी वादे किए थे लेकिन भर्तियां की घोषणा भी की लेकिन कई भर्तियां कोर्ट में अटका दी, विसंगतियों का हवाला देते हुए। आप क्या मानते हैं इस बार किसकी सरकार बनेगी और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर समर्थन दिया जाएगा? देखो सर, हम मानते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया, बीजेपी ने 20 साल राज किया राजस्थान में, तो उससे लगता है कांग्रेस ने भी रोजगार पैदा नहीं किया और बीजेपी ने भी रोजगार पैदा नहीं किया। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है राजस्थान में जिसकी कोई हद नहीं है। हम इस चीज को भी मानते हैं कि अब की बार न तो कांग्रेस आएगी और न ही बीजेपी आएगी, और तीसरा मोर्चा जो काम कर रहा है हमारे राजस्थान में वो किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब की बार तीसरे मोर्चे इतनी दावेदारी आएगी, इतनी कर्मठ हो है तीसरा मोर्चा जिसकी कोई सीमा नहीं है। तीसरा मोर्चा जिंदाबाद रहेगा और बहुत अपना दल लेके आएगा और सरकार बनाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार प्रमुख मुद्दा है क्योंकि बेरोजगारी इतनी लगातार बढ़ते जा रही है कि किसान भी हताहत है और बेरोजगार युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं हताश होते हुए नजर आ रहे हैं। दावे खूब हुए लेकिन इसका असर देखने को नहीं मिला, घोषणाएं खूब की गई चाहे वो बीजेपी के राज में हो चाहे कांग्रेस के राज में हो, लेकिन अब युवा चाहता है बदलाव हो, तीसरी पार्टी सत्ता में आए और बेरोजगारों की सुने। क्या मानते हैं इस बार किस तरह जो है पार्टियों को समर्थन जाएगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी? देखो ये तो कहना मुश्किल है किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन कांग्रेस बीजेपी
दोनों को देख लिया, माने कुछ इतना खास नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं ना वो है कि मतलब कोई सा भी आए, लेकिन जो किसानों के हित में काम करे और बेरोजगारों की थोड़ी कमी करे, इसके लिए मतलब भर्ती निकाले। अभी 4.5 साल में अब जाके भर्ती निकाली, इसमें कोई मतलब निकला नहीं, इसलिए कुछ अलग हट के कुछ आए जिससे विकास हो अपने इंडिया का। ऐसा प्रतिनिधि जो जमीनी धरातल से जुड़ा हो, क्योंकि दावे खूब हुए, सरकार ने घोषणाएं भी की, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिला। इस बार आम जनता चाहती है, प्रदेश की जनता चाहती है कि बदलाव हो, क्योंकि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में घोषणाएं खूब की लेकिन भर्तियां भी निकाली, लेकिन विसंगतियों का हवाला देते हुए वो भर्तियां कोर्ट में अटक गई। हालांकि कांग्रेस शासन में भी कहीं ना कहीं भर्तियां निकाली गई थी, उस वक्त भी विसंगतियों का हवाला देते हुए कोर्ट में अटका दी गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेरोजगार मांग करते हैं कि इस बार तीसरा मोर्चा निर्दलीय पार्टी सत्ता में आया और बेरोजगारी की सुने, किसानों की सुने। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर।